सीक्वेंस चल रहा है कि तुलसी विवाह है आज, तो अनमोल उसके दर्शन करने आई है और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुझे पसंद नहीं है, हमारे रिश्ते को स्पॉइल कर सकती हैं, तो मैं भी यहाँ पे आता हूँ। तो वही देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं हम, यू नो क्या चल रहा है ये सब। अनकम्फर्टेबल ऐसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ विद हैवी क्लोथ्स अभी सनलाइट में काम करना होता है, मीन सिर्फ सनलाइट ही नहीं इतनी सारी और लाइट्स होती हैं, तो यार थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, फिर रोना धोना एंड ऑल, तो आई थिंक दैट मेक्स इट टायरिंग। बाकी ऐसा कुछ अनकम्फर्टेबल तो नहीं, आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे अनमोल को पहले प्यार हुआ मुझसे और उसने इजहार किया और अब फिर मुझे भी धीरे धीरे प्यार हो रहा है। ये है इतनी प्यारी, तुमने भी तो इजहार कर दिया। हाँ तो तभी तो मैंने भी इजहार कर दिया, थोड़ा शर्माते हुए। आई थिंक बहुत पेसी है, अभी हम बता भी देंगे ना अगर कि आज क्या करें तो आपको समझ नहीं आएगा, इतना सब हो चुका है स्टोरी में ऑलरेडी। आई थिंक वो हमने जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तभी बताया भी था कि यू नो इट्स क्वाइट रिलेटेड, मतलब आजकल के जमाने में जो यूजुअली होता है कि हाँ लव मैरिजेस के बारे में ज्यादा सुनने मिलता है एंड यू नो टीनेजर्स जो है जल्दी जल्दी में शादी कर लेते हैं, यूथ बहुत ज्यादा यू नो खुद को रिलेट करेगा हमारे शोज से। हाँ आई थिंक उनको भी पता चलेगा कि शादी के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं।